डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास फिफ्थ चैप्टर सिक्स आज हम करेंगे। इसमें है हमारा यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड में हम क्या करेंगे, वन की वैल्यू निकालेंगे, वन आर्टिकल्स की। तो वन आर्टिकल्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल वैल्यू ऑफ गिवन आर्टिकल्स अपॉन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जो आपको दिया हुआ आर्टिकल है उसकी वैल्यू और जो नंबर है आर्टिकल्स की उससे हम डिवाइड कर देंगे, इससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल्स की आ जाएगी। अगर अदर कोई नंबर आर्टिकल्स का वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल है उसे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी जो वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर है ऑफ आर्टिकल्स वो आपको वैल्यू आ जाएगी। सब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे कि प्राइस दे रखा है, द प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स इज रुपीज 60, फाइंड द पेंसिल ऑफ 35 सच अ पेंसिल। इसमें क्या रखा है, कॉस्ट हमें 20 पेंसिल का कॉस्ट 60 रुपीज दे रखा है और आपको निकालना है 35 पेंसिल का कॉस्ट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे, द पेंसिल ऑफ द प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स इक्वल टू रुपीज 60। ओके, आप क्या करेंगे, वन पेंसिल का कॉस्ट निकालेंगे तभी आप 35 पेंसिल का कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो हमें वन का ही कॉस्ट नहीं पता होगा तो हम आगे अदर आर्टिकल जो रिक्वायरमेंट आर्टिकल है उसका नंबर हम कैसे निकालेंगे, उसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन जो मैंने समझाया है कि 20 पेंसिल्स का जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज है और हमें 35 पेंसिल का कॉस्ट निकालना है, तो हम लिखेंगे द प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स इक्वल टू रुपीज 60। सो रुपीज ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू, आप क्या करेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ गिवन आर्टिकल्स अपॉन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर्मूला रखेंगे। तो हमारा टोटल कितना है 60 रुपीज, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है 20, ऐसे अपॉन में रखिए, आप 20 को 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अपॉन में रख दिया, फिर हमें 35 पेंसिल का कॉस्ट निकालना है, तो हैंस प्राइस ऑफ 35 सच अ पेंसिल इक्वल टू, जो हमें लिखा है 60 अपॉन में 20 इंटू 35। ठीक है, हमने क्या किया है, 21 जे 20, 23 जे 60, 3 आंसर आ गया, 3 को हमने 35 से मल्टीप्लाई किया है। इस तरीके से 3 को 35 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा रुपीज़ आ गया 105। तो 35 पैसे का कॉस्ट कितना हुआ, 105 रुपीज़। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल में बताया गया बेटा कि 8 वर्कर्स कंप्लीट करते हैं पीस ऑफ वर्क 30 डेज में। हाउ मैनी डेज दे विल 48 वर्कर्स, 48 जो वर्कर्स हैं उसी सेम काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके लिए भी हमें ये देखना है कि 8 वर्कर कितने डेज लेते हैं, 30 डेज लेते हैं। तो 1 वर्कर्स क्या लेंगे, ज़्यादा डेज लेंगे, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने 30 × 8 से मल्टीप्लाई किया तो डेज आ जाएगा आपका। फिर आपको 48 वर्कर्स का निकालना है, तो 48 वर्कर्स का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 48 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 30 × 8 अपॉन में 48, 8 × 8, 8 × 6 = 48, काट के ही 30 / 6 आ गया, फिर 6 को 30 से डिवाइड करेंगे, 6 × 6, 6 × 5 = 30। तो 5 डेज में कंप्लीट करेंगे 48 वर्कर्स। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को अगर समझिए तो देखिए, अगर ज़्यादा वर्कर्स एक फील्ड पे काम करेंगे या तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर कम वर्कर्स काम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस हिसाब से इस मेथड को आप इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सेकेंड, एग्जांपल सेकेंड। ओके, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 6.1। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है कि 14 फार्मर्स कैन रीप अ फील्ड ऑफ व्हीट इन 9 डेज। ठीक है, इसमें 14 फार्मर्स जो है गेहूं की कटाई करते हैं 9 दिन में। तो आपको ये बताना है कि 21 फार्मर्स सेम फील्ड पर कितने दिन में काम पूरा करेंगे कटाई का। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर 14 फार्मर 9 डेज में कंप्लीट करते हैं। अब फार्मर ज़्यादा लग गए 21, तो डेज भी क्या होगा, कम होंगे, है ना। तो देखिए कैसे करना है इसे। तो बेटा हमें क्या करना है, पहले हम 9 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 1 फार्मर का देखना है कि गेहूं की कटाई एक फार्मर कितने दिन में करेगा। जब एक फार्मर का निकल आएगा तो 21 को उससे क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इस तरीके से आपको करना है। अगर स्टेटमेंट लिखेंगे तो ऐसे आप लिख सकते हैं,
द नंबर ऑफ फार्मर्स रीप अ फील्ड 14, ठीक है, नंबर ऑफ डेज 9, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमें 21 फार्मर्स का निकालना है कि सेम फील्ड पर कितना दिन में काम पूरा करेंगे, तो अपॉन में 21 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे काट दिया है मैंने, 9 बन जाए 9, इसे 3 से टेबल से काटा है हमने, 3 3 जा 9, ओके 3 बन जा 3, ये जो टेबल है पहले 7 से काटा है हमने, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, फिर 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो आंसर जब 3 जब 2 बचा तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 डेज, ओके समझ में आ गया। नीचे भी आपको दे रखा है कॉस्ट, 2 दर्जन का बनानास का कॉस्ट है 48, 40 बनानास का कॉस्ट निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक 1 बनाना का कॉस्ट पता होना चाहिए, तो हम 2 दर्जन जो होते हैं इक्वल टू कितने होते हैं 12, तो 1 दर्जन इक्वल टू 12 होता है, तो 2 दर्जन कितने होंगे 2 × 12, तो कितना हो जाएगा 24 बनानास, 24 बनानास का कॉस्ट कितना है 48, और हमें 40 बनाना का निकालना है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसे, डिवाइड करने के बाद 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से आंसर निकल आएगा, ठीक है। देख लीजिए स्टेटमेंट सही से, इस तरीके से आपको पढ़ना है, आपको मेंशन करना है कि 1 दर्जन इक्वल टू 12 बनानास, ओके इस तरीके से लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 2 दर्जन बनानास इक्वल टू 48, नंबर ऑफ बनानास आपको दे रखा है 2 दर्जन इक्वल टू, आप यहाँ पे 12 लिख लेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, फिर कॉस्ट निकालना है 40 का, तो मैंने बताया था आपको दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कॉस्ट निकल आएगा 80 रुपीज, ओके आई थिंक समझ में आ गया है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, इसी तरीके से करना है, ओके बेटा।